नमस्कार दर्शक बंधु, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ। आज होची मे मास 27 तारीख बुधवार। आसंतु नजर पकेबा राज्यर टॉप 10 खबर उपरे। ता पूर्वरु दर्शक बंधु आपनको गोटे छोटिया अनुरोध, भिडियोटी को आरंभरु शेष पर्यंत देखंतु, भल लागिले गोटे लाइक और शेयर करंतु, आउ जदि चैनल को सब्सक्राइब करिनाती ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। आजर प्रथम खबर, जून पहिलारु आरंभ हेबो युक्त दुई परीक्षा खाता देखा। एने प्रक्रिया आरंभ होईची। सीएचएसई एहि प्रसंगरे समस्त खाता देखा केन्द्र को सानिटाइज करने पर चिठी लिखि समस्त जिलार जिलापाल सीएचएसई अध्यक्ष चिठी लिखिंट। दुई नंबर खबर, आज मेट्रिक खाता देखा आरंभ हो। 60 सेन्टर में हो मूल्यायन स्वतंत्र व्यवस्था कर सामाजिक दूरता सह सानिटाइजर व्यवहार पर जोर दि जाए। तेज हाइकोर्ट निर्देश अनुजाई ही मेट्रिक खाता मूल्यांकन कर मूल्यांकन केन्द्र 10 किलोमीटर भितर शिक्षक मैंने खाता देखुं। दूर दूरातर शिक्षक मैंने मूल्यायन केन्द्र को जीवा आसवे असुविधा और मूल्यायन केन्द्र निकट में खावा पीवा रहीबार व्यवस्था हो बोर्ड कर्तृपक्ष एपरी निष्पत्ति नहीं। तीन नंबर खबर, पबजी खेल नाला जीवन, खेल निशारे मजबूल थे युवक, ट्रेन आसवा बाबदे जापारे शेषे माड़गला ट्रेन। एपरी एक घटना नुआपड़ा जिले में आलोड़न सृष्टि कर मिलिथिबा सूचना अनुसार नुआपड़ा जिलार सीएलटी ग्रामर खीरोमन माझी निज मोबाइल रे पबजी खेलुले। सोमवार से पबजी खेलुले तेब निज घर नुहे बर ट्रेन लाइन निकट रे गेम खेलुवा जनापड़ी। तेब खेल निशार मशगुल हो से हठात ट्रेन लाइन उपरक चली आसी समय हठात एक ट्रेन आसी जाइला और धक्का देता। तेब ट्रेन टी धक्का देवा पूर्व हर्न मारी से खेल निशार एत पगल हो जाते जे ट्रेन हर्न शुनिपार न। चार नंबर खबर, राज्य में घर बस चलो कि नहीं चूड़ांत निष्पत्ति। आसंता गुरुवार राज्य में घर बस चलो बस मालिक संघ निष्पत्ति। राज्य में मो बस गढ़ राज्य घर बस मालिक संघ बुधवार दिन राज्य परिवहन मंत्री सह आलोचना करते घर बस मालिक को बड़ आश्वस्ति मिली। परिवहन विभाग तरफ तीन मास बस रोड टैक्स को छाड़ कर दि जाइए। एप्रिल मे और जून मास रोड टैक्स छाड़ परिवहन विभाग। पांच नंबर खबर, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाखर नियंत्रण रेखार चीन सह अशांतजनक वातावरण मध्य आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीन सेनार प्रमुखों सह गुरुत्वपूर्ण मीटिंग करते। मीटिंग में एलएसी अवस्था उपरे समीक्षा करा एवं आगक रणनीति उपरे विचार करा। चार घंटू अधिक समय जाए यह महाबैठक होता जो थी रक्षा मंत्री चीन तरफ सैनिकों संख्या बढ़ावा को नहीं भारत प्रतिक्रियार उदाहरण देते। यही महाबैठक समय स्पष्ट कर दि जाइए जे संघर्ष विराम कथबार्ता तो चलो कि भारतीय सेठे निज संप्रभुत बिल्कुल बुझाणा नक निज शक्ति बजाय रखे। बैठक यह निष्पत्ति अंचल सड़क निर्माण कम चालू रहा दरकार और भारत निजर सैन्य बल चीन सह मुकबिल बढ़ाव। छ नंबर खबर, केरल हाइकोर्ट एक ऐतिहासिक राय में बोहूर घर कम लगी शाशु कहवा निर्जतना नुह बोली जड़े महिला शाशु द्वारा घर जावतियों कम करुवार अभोग आनी फल वैवाहिक जीवन नष्ट नहीं करवेदन शुणाणी मान्यवर कोर्ट यह कहते। तेब कौन गृहिणी को तार शाशुघर लोक कम करने को कहवा कि अस्वाभाविक नुहे कोर्ट कही बेले बहुत विच्छेद निम्ते महिला स्वामी करवेदन को मंजूर भी देखते। सात नंबर खबर, प्रभावशाली भारतीयों सूची में दशम स्थान अच्छा ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। फ्रेम इंडिया पत्रिका और एशिया पोस्ट पक्षर सर्वेक्षण में देशर 50 जन प्रभावशाली व्यक्तित्वर एक सूची प्रस्तुत कर सूची दशम स्थान में नवीन थे प्रथम स्थान अच्छा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रभावशाली व्यक्तित्व सूची द्वितीय स्थान में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे तृतीय स्थान अच्छा केन्द्रमंत्री अमित शाह। से हीपरी चतुर्थ स्थान में देशर प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा थी बेले पचक अच्छा रिलायंस इंडस्ट्रीज्र चेयरमैन मुकेश अंबानी। षष्ठ स्थान में केरल मुख्यमंत्री पिनराय विजयन थी बेले सप्तम स्थान में आर्ट अफ लिविंग गुरु रविशंकर रही। केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रभावशाली व्यक्तित्व सूची में अष्टम स्थान में थी बेले नवम स्थान अच्छा जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल और दशम स्थान में अच्छा ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आठ नंबर खबर, राज्य में लॉकडाउन कटकणा कोहल होगा सह मद बिक्री लगी सरकार अनुमति देते। मद बिक्री लगी सरकार अनुमति देवास सामाजिक दूरता उपर गुरुत्वारोप कर मद कि समय अनेक लोक सामाजिक दूरता नियम को भूली जाऊँ। सामाजिक दूरता को लक्ष्य कर
ଅନଲାଇନ୍ ରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଲାଗି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମକୁ ମୋଡ଼ି ମକଚି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ମଦ ବିକ୍ରି ଲାଗି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମଦ ଦୋକାନୀ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ମଦ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଲୋକଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଦେବା ବଦଳରେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। 9 ନମ୍ବର ଖବର, ହଠାତ୍ ତାଲାବନ୍ଦକୁ କୋହଳ କରି ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିମାନ, ରେଳ ସେବା ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଓ ଅଟୋ ପରି ସେବା ଆଦିକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ଏବେ କରୋନା ଆହୁରି ବ୍ୟାପିଯିବନି ତ? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 15 ଦିନରୁ 1 ମାସ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଏବଂ ମାନବୀୟ ଚେହେରା ସହ ବୃତ୍ତିଗତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ନ ହୋଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 15 ଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ସେପଟେ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ରୁ 6 ହଜାର ଯାଏଁ ଲୋକ ନୂଆରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଲାବନ୍ଦ କୋହଳ କରିବାକୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେମିତି ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। 10 ନମ୍ବର ଖବର, ବଢ଼ୁଛି ପାରଦ, ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ, ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇ ଛୋଟ ପିଲା, ଅସୁସ୍ଥ ଓ ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖରାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ସହରରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ 45.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସର୍ବନିମ୍ନ 40.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 10ଟି ଖବର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଜିର ଏହି ବୁଲେଟିନ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହି 10ଟି ଖବରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆମ ବୁଲେଟିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏତିକି କାମନା ସହ ଆମେ ରହୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।